सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने वाला हूं एक ऐसे रानी के बारे में जिन्होंने मुगल साम्राज्य को तबाही कर दिया था। इनके बारे में हम जानने वाले हैं, तो आइए समझते हैं। बता दें कि भारत में अनेक ऐसी वीरांगना पैदा हुई है जिन्होंने दुश्मनों की खटा कर दी है, जो आज भी सुर्खियों में बनी हुई है, जिनकी चर्चा आज भी की जाती है। उसी में से एक ऐसी रानी की मैं बात करने वाला हूँ। बता दें कि इस रानी का अगर जन्म की बात करते तो 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। इन्होंने अकबर के सेना को पानी पिला दिया था, जिन रानी का नाम है रानी दुर्गावती। बता दें कि इन्होंने अपने शासन काल में ऐसे 52 ऐसे युद्ध लड़े हैं, जिनमें से 51 युद्ध इन्होंने विजय प्राप्त की है। और इनका मानना है कि यह तीर चलाने में और तलवार चलाने में बहुत तेज थे। बता दें कि इनकी मानता है कि यह बहुत साहसी और वीर साहसी रानी थी। अगर इनकी हम बात कर दें, अगर इनकी शादी 18 वर्ष के उम्र में ही शादी हो गई थी। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती की आवाज से अकबर की जो सेना थे उससे कांपते थे। और बता दें कि रानी दुर्गावती जिस हाथी पर चढ़ती थी उस हाथी का नाम है समरन। हाँ जी, जो उस समय का सबसे राजाओं जिस सभी राजाओं में से सबसे श्रेष्ठ हाथी थी और सभी राजाओं में से सबसे श्रेष्ठ थी। बता दें कि इन्होंने मुगल के युद्ध में रानी दुर्गावती ने वीरगति प्राप्त हुई और इन्होंने 15 वर्षों पर गोंडवाना राज्यों पर शासन किया। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी रानी दुर्गावती के बारे में? क्या आप इससे भी डिटेल जानना चाहते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी? जानकारी पसंद है तो लाइक और शेयर करने वाले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने वाले। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।